एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉलीवुड शोबीज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वो हैं ईसा, जिन्होंने रक्से बिस्मिल में अपना किरदार अदा किया और बहुत ही बखूबी इस किरदार को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर हकीकत वो कौन है और इनका कहाँ से ताल्लुक है, इन्होंने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया, ये तमाम तर तफसीलात मैं दूंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल ड्रामा जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसके तमाम तर अदाकाराओं ने और अदाकार ने बहुत ही बखूबी अपने किरदार को निभाया है, उन्हीं में से एक हैं ईसा। ये ईसा कौन है आज हम आपको बताते चलते हैं। ये ईसा हैं मोमिन साकिब, जिन्होंने इससे पहले एक डेब्यू ड्रामा किया था जिसका नाम था बेअदब। इसके अलावा इस ड्रामे में भी ये साइड रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मोमिन इससे पहले एक आम से इंसान थे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर इन्होंने तनकीद किया था जिसमें इनका कहना था भाई मारो मुझे मारो। इनकी ये बात बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई और तमाम तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इससे लोगों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया। इसी तरह से ही इनके करियर का आगाज शुरू हो गया। ये एक आम से इंसान थे लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ही ज्यादा तरक्की दे दी है। उम्मीद है कि आने वाले ड्रामों में भी हमें नजर आए। आप इन्हें मजीद ड्रामों में देखना चाहते हैं या नहीं, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।